गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिपेयर अ हार्ड डिस्क। गाइस जैसे आपको पता है कि मेरे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क है, और आपको ये भी पता होगा कि हार्ड डिस्क की मिनिमम प्रॉब्लम उसके पावर से रिलेटेड होती है। तो अब मैं आपको उस पावर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, इसके दो पोर्ट्स हैं, एक डाटा के लिए और एक पावर के लिए। ये वाला पोर्ट पावर के लिए है और ये वाला डाटा के लिए है। तो हम इसे ठीक करेंगे। हमें चाहिए एक हार्ड डिस्क, एक इरेजर एंड एक स्क्रू ड्राइवर। तब हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क खोल ली है। ये यहाँ पे इसके अंदर की पूरी चिप है। और हार्ड डिस्क में यहाँ से पावर जाती है, और ये है इसके डाटा के लिए। यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होता है। जो पावर है इस पे टच होके फिर वो वहाँ पे जाती है उसके अंदर। तो अब हम इसे रिपेयर करेंगे। हमें इरेजर लेके जिसके पावर का है उसे हमें इरेज करना है अच्छी तरह। इसे बहुत ही ध्यान से इरेज करना है। इसके कोई भी पार्ट्स टूटने नहीं चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पहले से ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। अब हमें इसकी जो इसमें डस्ट पार्टिकल्स है वो हटाने हैं। तो ये आप नॉर्मल स्पूक मार के भी हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, सारे डस्ट पार्टिकल्स हट गए हैं। यहाँ पे ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हमें इसे वापस लगाना है। पर दोस्तों, वापस लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो इसका पावर का है उस पे भी कहीं मिट्टी नहीं लग रही। अगर उस पे भी डस्ट पार्टिकल्स लग रहे हैं तो वो भी इरेजर से मिटाने पड़ेंगे। हार्ड डिस्क खराब होने का मेन रीज़न पावर से रिलेटेड ही होता है। ये स्टेप करने से कुछ हार्ड डिस्क ठीक हो सकती है। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो उसके पेज है वो बहुत टाइटली लगने चाहिए।
तो ये यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क बिल्कुल ठीक हो गई। अब आप अगर इसे कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल सही तरह चल जाएगी। दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।